अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम जहाँ रहते हैं इसको समाज कहा जाता है। हमारे समाज में बहुत सारे काम अंजाम पाते हैं और रोजाना बहुत सारे मामला होते रहते हैं। बाद मरतबा हमारे समाज में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा होते हैं और इन मसाइल या प्रॉब्लम्स को हल करना भी जरूरी होता है, क्योंकि इनकी वजह से हमारी रोजाना की जिंदगी बुरी तरह मुतासर होती है। अक्सर हमें जो मसाइल दरपेश आते हैं वो पहले भी आ चुके होते और पहले इनको हल किया गया होता है। तो अजीज तलबा, जब भी हमें कोई मसला या प्रॉब्लम दरपेश आती है तो हम माजी का सहारा लेते हैं। हम देखते हैं कि ये मसला माजी में भी आया था, तो उस वक्त इस मसले को हल करने के लिए कौन तदाबीर की गई थी, कौन कौन से ऐसे इकदाम किए गए थे जिनकी वजह से ये मसला आसानी हल हो गया था, और उन्हीं तदाबीरों को या उन्हीं इकदाम को हम हमारी आज की जिंदगी में या आज इस मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम माजी में देखते हैं कि इन मसलों को हल करने के लिए उस वक्त में ऐसी कौन सी तदाबीर की गई थी जिसकी वजह से ये मसले आसानी हल हो गए थे, और ऐसे कौन से इकदाम थे या ऐसे कौन से फैसले थे जिनकी वजह से उस वक्त में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो प्यारे बच्चों, चलिए मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ। अभी जो कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, ये बहुत बड़ा पूरी दुनिया के लिए मसला बना हुआ था। तो इस तरह ऐसा तो नहीं है कि ये पहला ही पेंडेमिक है या पहली ही महामारी है, इससे पहले दुनिया में बहुत सारी महामारियां या पेंडेमिक आ चुकी है। तो उस वक्त भी लोगों ने इसका सामना किया और इससे बचकर निकल गए, या फिर इसको इससे बचने के लिए बहुत सारे तदाबीरें की। तो अजीज तलबा, जैसे ही कोरोना की शुरुआत हुई तो उस वक्त में हमारी हुकूमत ने या लोगों ने वही तदाबीर अपनाई जो इससे पहले के पेंडेमिक में अपनाई गई थी। शुरुआती वक्त में हमें ये नहीं पता था कि कोरोना के क्या सिम्टम्स है या कोरोना किस तरीके से फैलता है या किस वजह से होता है, तो हमने शुरुआत वही सारी तदाबीर अपनाई जो इससे पहले अपनाई गई थी। हमने देखा कि उस वक्त में महामारी से बचने के लिए या इससे बाहर निकलने के लिए कौन कौन सी तदाबीर की गई थी, और ऐसे कौन से फैसले थे जिनकी वजह से ये महामारी ज्यादा बड़ी थी या ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो अजीज तलबा, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हम हमारे माजी का इस्तेमाल हमारे आज के वक्त में करते हैं, मतलब हम हमारी तारीख का इस्तेमाल करते हैं। आज के वक्त में हमें जो भी करना होता है हम उसके लिए हमारे माजी का सहारा लेते हैं। जैसे कि कोई भी हमको काम करना हो तो हम देखते हैं इससे पहले किस तरीके से होता था, हम उसी की बुनियाद पर हम उसको आगे करते हैं, या इसी माजी के इस्तेमाल को या तारीख के इस्तेमाल को इतलाक की तारीख कहा जाता है। तो इस तरह इसी पर हम अपने आज हमारा सबक पढ़ेंगे, इतलाक की तारीख।